हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के 2500 इकोनॉमिक जोन में जापान के द्वारा बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आगे आने वाले टाइम में। और ये जो 2500 इकोनॉमिक जोन है, इसको स्पेसिफिकली जापान के लिए ही बनाया गया है, यानी कि जापान के इन्वेस्टर के लिए ही बनाया गया है। और आप सभी को पता है कि जापान और बांग्लादेश का रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग हो रहा है बहुत ही लंबे समय से, और लगभग हर महीने जापान से कोई ना कोई अच्छा न्यूज बांग्लादेश के लिए सामने आता है, यानी कि जापान से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का न्यूज बांग्लादेश के लिए सामने आता है। और अब इस 2500 इकोनॉमिक जोन में जापान के द्वारा कुछ बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बारे में जापान के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा जापान के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी दिया गया है। और ये जो 2500 इकोनॉमिक जोन है, इसको स्पेसिफिकली जापान के लिए ही बनाया गया है। जापान के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह का बेनिफिट्स उनको मिल रहा है, वो बहुत ही कम देशों में जापान के इन्वेस्टर्स को मिलेगा। और इसीलिए जापान के द्वारा इतना सारा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ये न्यूज सामने आया था कि बांग्लादेश में कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा बहुत ही जल्द, और इसके लिए भी जापान को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जापान के लिए ही बांग्लादेश में ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तैयार होने जा रहा है। और जापान के कंपनी मित्सुबिशी मोटर्स बांग्लादेश के एक स्टेट ओन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बांग्लादेश में ये नया कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाने जा रहा है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करके रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसी बात से आप देख सकते हो कि जापान और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है समय के साथ साथ। और आगे आने वाले टाइम में बांग्लादेश और जापान का ये रिलेशनशिप पूरी दुनिया में नया मैसेज देगा, और वो ये है कि दोनों देश अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना ज्यादा क्लोजली और कोऑपरेशन के साथ काम कर सकता है। और अगर स्पेसिफिकली बांग्लादेश की बात करें, तो जापान के तरफ से ये जो सारे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बांग्लादेश में, इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा और भी ज्यादा रैपिडली ग्रो करने के लिए, क्योंकि जापान के तरफ से ये जो सारे इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में किया जा रहा है, इससे बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, और इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी में और भी ज्यादा रैपिडली ग्रोथ आएगा। ये जो 2500 इकोनॉमिक जोन है, इसमें जो जापान के तरफ से इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इससे भी बांग्लादेश में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस इकोनॉमिक जोन में जापान के द्वारा किस तरह का इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा, वो आगे आने वाले टाइम में हम सभी को पता चलेगा। और अगर इसके बारे में कोई नया अपडेट सामने आता है, तो मैं वीडियो बना के जरूर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के लोगों के लिए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।